प्रभास के फैंस को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था आखिरकार वो आ ही गई। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का पोस्टर सामने आ चुका है। फिल्म के मेकर्स ने आदि पुरुष का पोस्टर रिलीज किया है। 12 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म लंबे टाइम से चर्चा में बनी थी। फैंस सोशल मीडिया पर पहले से ही इससे जुड़ी जानकारियां अपने अपने तरीके से शेयर कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब जब पोस्टर सामने आ गया है तो ऐसे में फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है। अप्रैल में ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म में जो प्रभास से आपको भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं बात करें सैफ अली खान की तो सैफ अली खान आपको लंकेश रावण और कृति सेनन देवी सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं। अब जो मेन पोस्टर आया है उसमें भी एक्टर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास पोस्ट में धनुष के साथ नजर आ रहे हैं। एक घुटने के बल बैठे एक्टर आसमान की तरफ धनुष में तीर लगाए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका पोस्टर आते ही वायरल हो गया है। आदि पुरुष को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म सिनेमाघरों में 3D में रिलीज होने वाली है। एक्ट्रेस कृति सेनन ने भी सभी भाषाओं के पोस्टर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरंभ हमारे साथ जुड़े जब हम एक मैजिकल जर्नी पर निकले यूपी के अयोध्या में सरयू नदी तट पर। कृति ने आगे लिखा कि मूवी का पहला पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। इसका टीजर 2 अक्टूबर यानी कि संडे को शाम 7:15 बजे सामने आएगा। आपको बता दें इस फिल्म को भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का पोस्टर सामने आते ही फैंस के बीच का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और भी ज्यादा हाई हो गया है। प्रभास की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में जब प्रभास को लोग राम के किरदार में देखेंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ी ट्रीट होगी। वहीं बात करें सैफ अली खान की तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान बॉलीवुड की कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं। ऐसे में उन्हें इस फिल्म के अंदर लंकेश रावण के रोल में देखना अपने आप में काफी मजेदार होगा। कृति सेनन इस फिल्म में आपको सीता के रोल में नजर आने वाली है। प्रभास के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो मार्च में राधे श्याम में पूजा हेगड़े के साथ नजर आए थे। इसके अलावा वो फिल्म सलार में भी दिखाई देने वाले हैं, जिसका डायरेक्शन केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील कर रहे हैं। वहीं कृति सेनन भी वरुण धवन के साथ भेड़िया में नजर आएंगी। फिल्म आदि पुरुष का पोस्टर सामने आने के बाद फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं फिल्म की रिलीज का। अब जिस तरीके से पोस्टर को फैंस का धुआंधार रिस्पांस मिल रहा है, आप खुद सोचिए जब फिल्म का टीजर और ट्रेलर सामने आएगा तो क्या ही आलम होगा। प्रभास की फिल्मों का फैंस इस कदर इंतजार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभास की कोई भी फिल्म होती है तो उसका सुपर हिट होना लाजमी है। ऐसे में जब प्रभास ने बॉलीवुड के साथ हाथ मिलाया है और सैफ अली खान, कृति सेनन इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, तो ऐसे में फैंस है कि इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द फिल्म का टीजर भी सामने आ जाएगा। इसके साथ ही कृति सेनन ने ये तो रिवील कर ही दिया है कि आदि पुरुष का जो टीजर है 2 अक्टूबर को शाम 7:15 बजे सामने आएगा। आपको बता दें फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके साथ ही फिल्म पर काफी बड़ा बजट भी लगाया गया है। कृति सेनन, सैफ अली खान और इसके साथ ही प्रभास अपनी आने वाली फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आदि पुरुष के पोस्टर को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फैंस का और इसके साथ ही फिल्म की टीजर और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर आपने फिल्म का पोस्टर देख लिया है तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि फिल्म को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं। अगर आपने अभी तक फिल्म बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।